Hello student, welcome to A2Zombie. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई एम आर एस जीएससी एंड अकाउंटेड एग्जाम के लिए क्वांट स्ट्रेटेजी कैसे हम क्वांट सेक्शन प्रिपेयर करें क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है ठीक है एंडविटेज क्या है और अगर हम बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट है कि ई एम आर एस एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो बैंकिंग पैटर्न पर बेस्ड होंगे या एस एस सी पैटर्न पर यानी हमारा एग्जाम पैटर्न किस एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा डाउट है कि, कि किस तरीके के के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है तो आज का हमारा इसमें वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हम क्वांट स्ट्रेटजी डिस्कस करें एमआरएस जीएसएन अकाउंटेड एग्जाम दोनों के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे ठीक है और क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा और किस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले हम ए हमारे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जाम की बात करते हैं तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वांट सेक्शन क्वांट स्ट्रेटेजी डिस्कस करें तो क्वांट सेक्शन में जो हमारा पार्ट टू है ठीक है उसमें आपके पास कितने क्वेश्चन हैं ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे ठीक है फाइव सेक्शन है हमारे एग्जाम में ठीक है अगर हम सब्जेक्ट की बात अकॉर्डिंग बात करते हैं सेक्शन वाइज जिसमें से क्वांट सेक्शन में ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे और टोटल ट्वेंटी मार्क्स के होंगे ठीक ठीक है, है तो तो अगर हम की बात करें तो वन पार्ट, वन पार्ट, हमारा टी मार्क्स का है जीएससी में और अगर हम यही बात करते हैं अपने अकाउंटेड एग्जाम के बारे में ठीक है तो यहाँ पर जो क्वांट सेक्शन का वेटेज है वो थर्टी क्वेश्चन का थर्टी मार्क्स का ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है वेटेज का एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पर अब सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जाम पैटर्न कैसा है एग्जाम का सिलेबस क्वांट सेक्शन का क्या है तो देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस से हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं जो अगर हम सिलेबस के एग्जाम पैटर्न की बात करें कि यहां पर देखिए अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे कुछ टॉपिक हमें ऐसे लगता है कि बैंकिंग से रिलेटेड है और कुछ टॉपिक हमारे एसएससी से पर एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न क्या होगा एसएससी पैटर्न होगा या बैंकिंग पैटर्न ठीक है तो ये देखिए अगर हम टॉपिक की बात करते हैं फर्स्ट इज ए नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम हमारा मोस्टली जो देखने के लिए मिलता है वो एस पैटर्न में मिलता है नेक्स्ट इज डी एंड सिंप्लीफिकेशन डी एंड सिंप्लीफिकेशन ये हमारे दो ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बैंकिंग एग्जाम्स में देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं एज कंपेरिजन ssc and next is percentage profit and loss discount ratio and proportion average मिक्सचर एलिगेशन टाइम एंड वर्क एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम एंड डिस्टेंस पार्टनरशिप एंड एजेस एंड और भी हमारे अर्थमेटिक टॉपिक जैसे मैंसूरिशन ठीक है तो ये सारे टॉपिक अगर हम कहें तो एस एस सी एंड बैंकिंग बोथ में सेम है पर अगर हम कंपेरिजन करेंगे क्वेश्चन का लेवल तो देखिए क्वेश्चन के लेवल की बात करें क्वेश्चन के लैंग्वेज की बात करें या पैटर्न की बात करें तो हमें यहाँ पर एस एस सी पैटर्न ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा एज़ कंपेरिजन बैंकिंग हमारे पास क्या है हम ये सोच रहे हैं कि डीआई एन सिंपलीफिकेशन है तो बैंकिंग पैटर्न होगा रीजन रिमेनिंग टॉपिक जो आपके हैं वो अरिथमेटिक से रिलेटेड ही है और वो दोनों में कॉमन है पर मेन पॉइंट समझना यहाँ पर जो डीआई अभी जो हमारा एग्जाम्स अदर्स एग्जाम्स हुए हैं से रिलेटेड एनवीएस की तो उसमें हमने जो चीज ऑब्जर्व की है वहां पर जो एग्जाम पैटर्न था वो बैंकिंग पैटर्न कम

नहीं आएगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने के चांसेस नहीं है ठीक है जो एसएससी पैटर्न पैटर्न में हमसे डीआई पूछी जाती है जिसमें सिंपल हमें डाटा कैलकुलेट करना होता है वैसा हमारी डीआई आने के चांसेस ज्यादा है ठीक है तो अगर हम डीआई की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो प्रियो प्रीलिम्स या क्लर्क अगर हम प्रीलिम्स की बात करें यहां तक की डीआई हमें प्रैक्टिस करनी है इससे ज्यादा नहीं तो तो हमें ये चीज समझनी है कि कुछ टॉपिक्स तो हमारे के सेम ही हैं, ठीक है ठीके? पर क्वेश्चंस उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आएंगे तो हम टॉपिक्स को अगर हम बेस कवर करेंगे तो ऐसा हमें नहीं लगेगा कि हम एग्जाम में चीजें नहीं कर पा रहे ठीक है तो हमें ये चीज समझनी है देखो परसेंटेज में जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होगा बैंकिंग और एसएससी में क्या डिफरेंस होता है बैंकिंग में जो क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड आते हैं वो बहुत बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं ठीक है लॉजिकल कम और कैलकुलेटिव ज़्यादा पर यही सिमिलर एस में अगर हम बात करें परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो लॉजिकल ज़्यादा होते हैं ठीक है उसमें लॉजिक हमें फाइंड करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है पर कैलकुलेटिव बहुत कम होते हैं तो हमें एक समरी लेके चलनी है अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़े से कैलकुलेटिव भी अगर आ जाते हैं तो हम कर पाएंगे पर मोस्टली जो जो चांसेस हैं वो वो आपके पास क्वेश्चंस का लेवल रहेगा मॉडरेट बहुत डिफिकल्ट नहीं तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत कीजिए वो हमारे लिए टाइम वेस्ट है अब बात करते हैं कि अब हमें प्रिपेयर कैसे करना है क्वांट सेक्शन ठीक है तो देखिए हमारे को क्वांट सेक्शन में स्कोर करना है किसी भी एग्जाम में तो हमें तीन बातों का बहुत ही ध्यान रखना होता है फर्स्ट इज एक्यूरेसी सेकेंड इज ए स्पीड एंड थर्ड इज ए कैलकुलेशन अब हम वर्क तो एक्यूरेसी पे कर रहे हैं पर एक्यूरेसी जिस पे डिपेंड है एक्चुअल हम वर्क उस पे नहीं करते हम ये कहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही हमारी स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही पर क्या आप स्पीड पे वर्क कर रहे हैं राइट right वे में ठीक है हमारी एक्यूरेसी नहीं है कि आप एक्यूरेसी पे राइट right वे पे आपने वर्क किया नहीं हम क्या करते हैं जब हम फर्स्ट टाइम क्वांट सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा एग्जाम टाइम है बहुत कम टाइम है हम चीजों को बहुत जल्दीबाजी में करते हैं और मोस्टली हम क्वांट में चीजों को फॉर्मूले बेस पढ़ना चाहते हैं फॉर्मूले बेस अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे ठीक है आपको कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आप चीजों को कॉन्सेप्ट से ही पढ़िए क्वांट में ठीक है आपको वहां पे फॉर्मुले बेस्ड नहीं पढ़ना और अगर आपके क्वा, क्वांट सेक्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी एक्यूरेसी पे आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको वर्क करना है कॉन्सेप्ट ठीक है अगर आप कॉन्सेप्ट में वर्क करेंगे पॉइंट समझिए तो एक्यूरेसी तो अपने आप क्योंकि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड है कॉन्सेप्ट पे आप कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए देन सेकेंड इज स्पीड हम ये कहते हैं कि हमने इतनी प्रैक्टिस की इतनी प्रैक्टिस की मैम हमने फिफ्टी मॉक टेस्ट लगाए मॉक टेस्ट लगाए पर हमने टाइमर का ध्यान नहीं रखा हमने क्वांट की अलग से प्रैक्टिस की हमने एक पूरी बुक कंप्लीट कर ली है पर उसके बाद भी हमारी क्वांट्स में ना क्वांट सेक्शन में स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही है बेटा आपने वो बुक की प्रैक्टिस की जितने भी चैप्टर्स आपने प्रैक्टिस किए आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए क्या आपने टाइमर लगा के किया नहीं

तो वहां पे हम चीज़ों को नॉर्मल वे में करेंगे और जब हम स्पीड पे वर्क करें यानी जब हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एंड देन सेकंड टाइम उस सेक्शन की यानी उस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी उस टॉपिक को हम इंप्रूव करें और उस पर स्पीड इंप्रूव करें तब हम प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर का यूज करेंगे एंड थर्ड इज़ ए कैलकुलेशन हम कहते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स आती है शॉर्ट ट्रिक्स आती है पर हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ ठीक है हमें क्या करना है टू की या किसी भी ऐसी वैल्यू कोई भी इवन नंबर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं, एक छोटा सा नंबर ले लेती ले हूँ चलो मैं 72. मैं कहती हूँ की ना मुझे फाइव से मल्टीप्लाई करनी है बहुत छोटा नंबर लिया मैंने पॉइंट समझना 72. और अगर मैं नंबर चेंज कर देती हूँ टू फोर्टी फोर या और कोई भी नंबर ले सकती हूँ 366 या 384 समथिंग कुछ भी एवन नंबर की बात हो रही है पॉइंट समझना और मैं कहूँ इसके फाइव से मल्टीप्लाई करनी है 244 की फाइव से तो आप सोचोगे 244 की मैम ने फाइव से कहा तो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी फिर अगेन टू आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही है जीरो पॉइंट समझना अगर मैंने आपको एक सिंपल से वैल्यू की बात करी टू फोर्टी फोर इन में फाइव तो आप नॉर्मल वे में ही करेंगे इसे क्या आप सोचेंगे कि हमने इसे एग्जाम में हम इसे इस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये क्वेश्चन का बहुत छोटा सा पार्ट होगा इसमें भी अगर हम टाइम सेव करेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को कर पाएंगे विद इन टाइम अब क्या करेंगे फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी टू अगेन क्या फाइव फोर जो अगेन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी आपके पास ट्वेंटी टू ठीक है ट्वेंटी टू का टू और टू अगेन क्या एंड फाइव इंटू टू इज टेन टेन प्लस वन इज अगर हम बात करें तो आपके पास ट्वेल्व तो आंसर कितना आया ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी और यही मुझे इसे माइंड में कैलकुलेट करना था टू फोर्टी फोर टू हंड्रेड का हाफ इज हंड्रेड फोर्टी फोर का हाफ इज ट्वेंटी टू तो कितना बना हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू इज़ वन ट्वेंटी टू और इसमें एक जीरो ऐड कर देंगे कितना टाइम लगा क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा या मैंने कैरी फॉरवर्ड किया ऐसा कुछ किया नहीं

इम्प्लीमेंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी पता तो है हमें पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं देखिए तो ये कुछ स्टेप है जो, जो क्वांट में अगर हमें स्कोर करना है तो हमें इन तीन पिलर पे वर्क करना है अगर हम ती, इन तीन पिलर को स्ट्रांग करेंगे तो हमारा स्कोर भी अपने आप ही यानी क्वांट सेक्शन में हमारा जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव होगा स्पीड भी इंप्रूव होगी ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि हमें एग्जाम को प्रिपेयर करते वक्त किन -किन बातों का में पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन तो कर रहे हैं पर हमें ये नहीं पता किस टाइप का एग्जाम आना है हम कर रहे हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस और हमारे एग्जाम में मॉडरेट और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यही अगर हम इजी टू ट में अपनी स्पीड इंप्रूव करें तो हम बेटर कर सकते हैं तो हमें सबसे पहले एग्जाम ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो आपके लिए टाइम वेस्ट है रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि हम अदर्स टॉपिक की प्रिपेशन कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं ठीक है तो इज कंटेंट शुड बी कंटेंट हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट इज फॉर यू शुड अंडरस्टैंड वेल ये मैंने पहले क्लियर किया है जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को करें तो हमारा मेन मोटिव उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर का होना है ठीक है हमें बहुत ही डेप्थ में चीजों को समझना है प्रैक्टिकली कैसी चीजें क्रिएट हो रही हैं और अगर हमारे फॉर्मूले भी क्रिएट होते हैं तो कैसे कॉन्सेप्ट तो बेसिक अगर हम बात करें फॉर्मूले अपने आप क्रिएट नहीं है कॉन्सेप्ट से हमने फॉर्मुले का क्रिएशन किया ठीक है ये चीज हमें समझनी है नेक्स्ट इज फॉर नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज द टाइमर टू सॉल्व द क्वेश्चन यही जब हम सेकेंड टाइम उस टॉपिक को कर रहे हैं ना रिवाइज तो हमें टाइमर का यूज करना है बिना टाइमर के हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है ठीक है क्योंकि हम लास्ट डे कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लास्ट डे टेन मॉक टेस्ट या ट्वेंटी मॉक टेस्ट दें आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए नो ठीक है और अभी आपके पास देखिए टू मंथ्स अप्रॉक्स हैं और टू मंथ्स में अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के प्रिपेशन करते हैं कैसे कि वन मंथ का आप ये समझीजिए आप ट्वेंटी टू टॉपिक्स ट्वेंटी टॉपिक्स हमारे क्वांट सेक्शन में है तो आप उसके लिए थर्टी डेज डिसाइड कर लीजिए जिन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लगेगा उनके लिए हम टू डेज या वन पॉइंट फाइव डेज इस तरीके से हमें डिसाइड करना देन लास्ट के वन मंथ में हम सिर्फ सिलेबस को रिवाइज एंड मॉक टेस्ट पे वर्क करें इस तरीके से अगर हम स्ट्रैटेजी बना के करेंगे तो अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है अभी एग्जाम डेट नहीं आई है ठीक है तो हमें जो अप्रॉक्सिमेट है कि अक्टूबर फर्स्ट मंथ या फर्स्ट वीक सॉरी या फिर सेप्टेम्बर लास्ट तो अभी हमारे पास वन मंथ से अब टाइम है तो हम उस तरीके से ट्वेंटी डेज में ट्वेंटी चैप्टर्स कंप्लीट करके ओवरऑल अपनी एक स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बना के प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट इज ए टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग एन एग्जाम मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है ऐसा नहीं कि हम सारे सेक्शन को ठीक है हमारे फाइव सेक्शन है उनको हम प्रिपेयर करें पर हम मॉक टेस्ट अटेंड ना कर पाए रीजन समझना जब हम क्वांट पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ क्वांट है और हमारी स्पीड उसमें बहुत बेटर होगी पर जब ओवरऑल फाइव सेक्शन हमारे साथ सामने एक साथ आते हैं ना तो हम चीज़ें इतनी बेटर नहीं कर पाते तो एग्जाम से पहले एग्जाम का माहौल अपने साथ क्रिएट करना उसे फेस करना ठीक है उसकी हैबिट आपको होनी चाहिए ठीक है टाइमर को फेस करना तो इसी के लिए हम मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं बहुत बार चीजें हमें आती हैं पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने वही मॉक टेस्ट पहले अटेम्प्ट नहीं किए होते वो वो फेल पहले नहीं लिया होता तो ये पॉइंट समझना है कि मॉक टेस्ट हमारे सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम से पहले मिनिमम ट्राई कीजिए थर्टी प्लस मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करके जाए ठीक है तो इस तरीके से आप क्वांट सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मत कीजिए ठीक है मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और बात रही अर्थमेटिक में तो अर्थमेटिक में जो आपके पास पैटर्न आएगा वो एसएससी पैटर्न आने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कंपैरिजन बैंकिंग तो आप थोड़ा सा मिक्स लेके चलेगा बहुत डिफिकल्ट नहीं अर्थमेटिक में देखो कॉन्सेप्ट सेम है प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो मिक्स से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है जिसमें कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट भी ना हो बहुत ईजी भी ना हो ठीक है और डी भी अगर हम बात करें तो बहुत हाई लेवल की डी की प्रैक्टिस आप बिल्कुल ना करें ठीक है मॉडरेट लेवल तक की सिंपल डी टेबल बेस सिंपल सिंगल पाई चार्ट बेस या फिर लाइन ग्राफ बेस या बार ग्राफ बेस आप डी की प्रैक्टिस कीजिए तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए ठीक है और इस आ, इसी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू हम क्वांट की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वांट के कुछ क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवाती रहूंगी कि एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच